नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के लिए एक अंडे का रेसिपी लेके आई हूँ दोस्तों। तो मैं आप लोग को इंग्रेडिएंट्स बोल देती हूँ दोस्तों। मैंने लिया है 5 अंडे, 1 आलू लिया है। अंडा और आलू मैंने बॉईल करके रखा है। मैंने थोड़ा सा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 4 पीस लौंग, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, तेज़पत्ता मैंने लिया है 3 छोटे छोटे, सूखी मिर्च मैंने लिया है 3, मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है 3 टेबलस्पून, 2 टमाटर को मैंने प्यूरी कर लिया है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून लिया है मैंने, धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, हल्दी मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा, धनिया पत्ता थोड़ा सा लिया है मैंने, प्याज 2 मैंने लिया है जिसको मैंने काट लिया है, सब्ज़ी मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 2 टीस्पून लिया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम अंडे को ऐसे थोड़ा सा कट कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर लगा के हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इस सब को। दोस्तों इसमें मैंने नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर लगा के इसको थोड़ा कोट कर लिया है। इसको मैं अब फ्राई करूँगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है दोस्तों। अब पहले हम अंडा फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। अंडा हमारा फ्राई हो चुका है दोस्तों। मैं अंडे को निकाल रही हूँ दोस्तों। ये मैं 2 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, आप तो इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। अब मैं आलू को फ्राई करूँगी। आलू मैं कम ही डाल रही हूँ, आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डालिए। आलू को मैंने हल्का फ्राई कर लिया है दोस्तों। मैं अब इसे निकाल रही हूँ। इसी तेल में दोस्तों मैंने ज़ीरा डाल दिया है। अब ये तेज़पत्ता मैं तोड़ के डाल रही हूँ, सूखी मिर्च, इलायची, दालचीनी और लौंग। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ दोस्तों। प्याज को थोड़ा ब्राउन होने दीजिए दोस्तों। दोस्तों देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। मैं अब जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको 2 मिनट तक फ्राई करूँगी, ताकि ये जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन चला जाए। 2 मिनट हो चुका है दोस्तों। अब मैं ये टमाटो का पेस्ट डाल रही हूँ इसमें। टमाटो का पेस्ट डाल के हम हल्दी डाल देंगे इसमें, नमक डाल देंगे, थोड़ा सा इसको चला लेते हैं दोस्तों। अब मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ, सब्ज़ी मसाला। सब्ज़ी मसाला ऑप्शनल है दोस्तों, आपको पसंद हो तो डालिए, है तो डालिए। लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च लिया है दोस्तों मैंने। दोस्तों मैं अब यहाँ पे अंडा और आलू डाल रही हूँ दोस्तों। इसको बनने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि अंडा और आलू तो ऑलरेडी बॉइल्ड है। और ये वीडियो मैं अपनी ख़ास सहेली के लिए बना रही हूँ, जिसने मुझे रिक्वेस्ट किया आलू अंडा का रेसिपी बनाने के लिए। तो मैं उसके लिए ही बना रही हूँ ये देसी स्टाइल आलू अंडा करी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी दोस्तों। आप लोग का वीडियोस भी मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, जो जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे दोस्तों। इसमें मैंने पानी डाल दिया है। आप ग्रेवी आपके हिसाब से रखिए दोस्तों। मैं इसको 5 मिनट तक ढक के रख दूँगी, 5-10 मिनट, लो फ्लेम पर रखिए दोस्तों। दस मिनट हो चुका है दोस्तों। चलिए हम सब्ज़ी देख लेते हैं कैसा बना है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाला को अच्छे से मिक्स कर दिया दोनों। अब मैं इसमें धनिया पत्ता डाल रही हूँ। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिए दोस्तों, मैं इसको इतना ही रख रही हूँ। इसमें
ये तो डन है दोस्तों, मैं इसे बंद कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। मैं सर्व करके दिखा रही हूँ आपको, तो देखिए हमारा देसी स्टाइल अंडा आलू का करी रेडी है दोस्तों। देखिए मैंने सर्व कर लिया है, तो देखिए हमारा डिलीशियस देसी स्टाइल अंडा आलू करी रेडी है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।